तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो फिर ये जो कि वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री वाला शब्द है, काफ़ी लोग इस शब्द को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज या फिर इसका अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि सारे के सारे वर्ल्ड में जितनी भी मूवीज बन रही हैं उनका सम, बल्कि इसका मतलब ये होता है हम लोग इस शब्द से जितने भी वर्ल्ड में इंग्लिश या फिर नॉन इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री है उन्हें हम लोग रिफर कर रहे हैं वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री के साथ। हर एक चीज़ का कोई ना कोई निर्माणदाता होता है, उसी तरह वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री का भी एक गॉड फादर है जिनका नाम है लुइस लुमियर। वो एक फ्रेंच इंजीनियर है जो कि काफ़ी ज़्यादा की रोल निभाए थे फोटोग्राफिक कैमरा और सिनेमेटिक ग्राफिक कैमरा को इन्वेंट करने में। जब भी नया नया सिनेमेटिक कैमरा का इन्वेंट हुआ था तो फिर उस समय लोग थिएटर्स में कोई नरेशन या फिर सॉन्ग सुनने के लिए नहीं जाते थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ लोग थिएटर में वीडियोस देखने के लिए जाते थे। उन्हें काफ़ी एक्साइटमेंट था कि थिएटर में जाएं और कोई चलती फिरती चीज़ स्क्रीन पे देख के आएँ। और अभी तक हम सिर्फ फ्रांस की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये जो कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का ट्रेंड था वो अमेरिका में भी चल आया और अमेरिकन फिल्म मेकर्स क्वांटिटी पे ध्यान देते थे ना कि क्वालिटी पे ध्यान देते थे। तो फिर एक समय ऐसा आ गया था वहाँ पे जब हफ्ते में एक एक दो दो डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज होना शुरू हो गए और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में खर्चा तो होता ही है, तो फिर उस समय प्रोड्यूसर्स का टाइम शुरू हो गया। और मैं ये उस समय की बात कर रहा हूँ 1901 से लेकर के 1910 के बीच की। उस समय अमेरिका में काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स आ गए थे, लेकिन उन सब में जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोड्यूसर थे उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिनका नाम था एडोल्फ जुकर। उनकी कंपनी का नाम है पैरामाउंट सिनेमा। आज भी हॉलीवुड में उनकी कंपनी मूवीज़ को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद गिरते पड़ते हमारी वर्ल्ड फिल्म इंडस्ट्री पहुँच गई फुल लेंथ मूवीज़ तक, और अमेरिका की पहली फुल लेंथ मूवी का नाम था द बर्थ ऑफ नेशन, जो कि रिलीज हुई थी 1915 में, और उसके बाद मूवीज़ का सिलसिला चलता ही गया। इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ म्यूट मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें बनाया था दादा साहेब फाल्के ने, और ये मूवी रिलीज हुई थी 1917 में और ये ब्लैक एंड वाइट मूवी थी। उसके बाद पहली साउंड मूवी इंडिया में बनाई गई जिसका नाम था आलम आरा, और जिसके निर्देशक थे अंदेसर ईरानी, और उन्होंने ही इंडिया में सबसे पहली कलर मूवी बनाई थी जिसका नाम था कृष्ण कन्हैया। उसके बाद समय आया 1970s, जिस समय हमारी इस प्यारी सी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नाम मिला बॉलीवुड। और उसके बाद अगर हम बात करें बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल मूवी के बारे में, तब वो है शोले, क्योंकि शोले हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे सिनेमा घरों में 6 साल तक चली थी। 6 साल तक चली थी ये मूवी हमारे सिनेमा घरों में। आजकल तो 6 साल एक्ट्रेस का करियर होता है, और बस यही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो फिर प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा।